नमस्कार मेरे स्वाद के शौकीन दोस्तों, मैं मनीष अरोड़ा अपने यूट्यूब चैनल अरोड़ा फूड बॉक्स में आपका फिर से एक बार और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ न कुछ नया बनाना ही है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए घर पे ही बनाने के लिए पिज्जा के ऊपर लगने वाला सॉस, पिज्जा टॉपिंग सॉस। इसके लिए मैंने लिए हैं दोस्तों टोमेटो, जिसको कि हम कट कर लेंगे, हाफ कट करना है इसको हमें, और इसकी जो आंख है उसको हमें निकालना है। दोस्तों, टोमेटोज हमारे कट के तैयार हैं, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें फ्राई पैन के अंदर वेजिटेबल ऑयल लेंगे। ये करीबन हमने 4 से 5 टेबलस्पून लिया है, अभी हाई फ्लेम पे रखा हुआ है जिससे ये गर्म हो जाएगा। अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, मैंने इसके लिए एक मीडियम आकार का मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे गार्लिक, लहसुन, करीब 10 से 12 लहसुन की कलियां ली है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून शुगर, सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से। आइए इसको मिक्स करते हैं सबको। अब जो हमने टोमेटो काटे थे उन टोमेटो को हम इसमें डाल देंगे। हमें टोमेटो को इस हिसाब से इसमें रखने हैं कि जो इसका स्किन वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहे। ये देखिए आप, मैंने जिस हिसाब से मैंने इसको सेट किया है ठीक उसी तरीके से आपको भी इसको रखना है। अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा और कम कर देंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हल्का सा, और एक बार इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। पानी की स्टीम बनेगी जिससे ये टोमेटो अच्छे से पक जाएंगे। अब इसको वापस हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। देखो, हमारे टमाटर जो है इसमें ये पक गए हैं, इसकी स्किन भी उतरने लग गई है। आप चाहें तो ये सारी स्किन निकाल सकते हैं इसकी, और नहीं निकाले तो भी ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शनल है।
दोस्तों अभी हमारे टोमेटोज और ये टॉपिंग का जो मसाला है ये पक के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसको छोड़ देंगे अब हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। दोस्तों जो मिक्सचर हमने बनाया था रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, अब हम उसको मिक्सचर में डाल के हमें ग्राइंड करना है। अब हम इसमें डालते हैं करीब 5 टेबल स्पून टोमेटो केचप। दोस्तों ये हमारा पिज्जा सॉस टॉपिंग ग्राइंड हो गया है और हमारे बनके तैयार है एकदम। तो दोस्तों तैयार है आपके लिए बनके पिज्जा टॉपिंग सॉस, एकदम बाजार जैसा है ये। इसको आप अगर एयरटाइट डिब्बे के अंदर डाल के रख देंगे फ्रिज के अंदर तो कम से कम 15 से 20 दिन तक ये खराब नहीं होगा। दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। और एंजॉय करते रहिएगा मेरे चैनल अरोड़ा स्कूल बॉक्स पे बनने वाली हर नई डिश का। नमस्ते।